साली दीदी, आप जीजू को ये जी क्यों बोलती हैं? दीदी, अरे मैं सब भी हूँ ना, इसलिए अब उन्हें भरे बाजार में अबे गधे नहीं बोल सकती ना, इसीलिए ए जी से काम चला लेती हूँ। एक पिता अपने बेटे को शराब के हानियाँ बता रहा था। उसने अपने बेटे को समझाने के लिए एक पानी का गिलास, एक शराब का और साथ में दो कीड़े लाया। उसने एक कीड़े को पानी के गिलास में डाला और दूसरे को शराब के गिलास में। थोड़ी देर बाद पानी में जो कीड़ा था वो जिंदा था और शराब में डाला हुआ कीड़ा मर गया। बाप ने बेटे से पूछा, तो बेटा अभी तुमने क्या देखा और क्या सीखा? बेटा, पिताजी यही कि अगर हम शराब पीते हैं तो हमें कभी कीड़े नहीं लग सकते। दादी को गीता पढ़ते देख पोते ने अपनी माँ से पूछा, माँ दादी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? माँ बोली, बेटा ये फाइनल ईयर की तैयारी कर रही हैं। एक मुर्गा बहुत जिद्दी था, अपने मालिक को बहुत परेशान करता था। मालिक ने तंग आकर एक दिन उसे एक टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। मालिक को फिर गुस्सा आया। इस बार उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, फिर पीछे से निकल गया। मालिक को इतना गुस्सा आया कि उसने मुर्गे को मारा, पकाया और खा गया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, फिर पीछे से। एक बढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती तो कभी 20 मिनट में। यह देखकर पास बैठे ग्रुप एडमिन को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और पूरी एक घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं बुढ़िया? पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी। एक शराबी दूसरे शहर में घूमने गया। शाम को तलब लगी तो एक दुकान पर जा पहुंचा। शराबी, एक बोतल विस्की दो। दुकानदार, सॉरी हमारे शहर में नशाबंदी है, इसलिए हम आपको शराब नहीं दे सकते। शराबी, मगर आपकी दुकान में तो शराब रखी है। दुकानदार, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सांप बिच्छू काट ले। शराबी, अच्छा तो फिर यहाँ सांप बिच्छू किधर मिलेंगे?